नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इसी YouTube चैनल पे। दोस्तों, हम लोग कर रहे हैं जनरल साइंस का सीरीज। आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन के। तो देखिए, ये चीज़ें तो आपको मुझे लग रहा है कि याद होगी और ये चीज़ें आप समझते भी होंगे। फिजिक्स में क्या होता है कि बहुत सारे चीज़ें आपके सोशल लाइफ से या आपके जो डेली एक्टिविटी है उससे रिलेट करती है। तो हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं जो क्वेश्चन आज हैं उसमें। आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके डेली लाइफ से रिलेटेड है, तो उसको समझने में भी आसान होगी और समझाने में भी आसान होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ए फैन प्रोड्यूस फीलिंग ऑफ कंफर्ट ड्यूरिंग हॉट वेदर बिकॉज। आप पंखे के नीचे बैठते हैं तो अच्छा महसूस करते हैं, कंफर्टेबल महसूस करते हैं गर्मी के सीज़न में। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे क्या फिजिक्स है कि आपको अच्छा महसूस होता है? तो एक्चुअली इसमें होता क्या कि आवर पेस्पिरेशन एवोपरेट्स रैपिडली, यानी कि कह रहा है कि हमारा पसीना तेज़ी से बाष्पित होता है। जब भी पसीना तेज़ी से बाष्पित होगा, बाष्पित मतलब वो उड़ेगा, तो हमें अच्छा लगेगा। ठीक है, तो जितना हवा आपके शरीर पे पड़ेगी उतना तेज़ी से बाष्पित होगा, उतना तेज़ी से आपको कंफर्ट फील होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द टेक्निक यूज्ड टू ट्रांसमिट ऑडियो सिग्नल इन टेलीविजन ब्रॉडकास्ट इज। टेलीविजन में दो तरह के सिग्नल होते हैं, एक होता है जो आपके पिक्चर होते हैं उसके लिए सिग्नल होता है, एक होता है ऑडियो के लिए। जब ऑडियो सिग्नल आती है तो वो किस फॉर्म में आती है? वो एफएम के फॉर्म में आती है, ऑडियो एफएम के फॉर्म में आती है। और जो वीडियो होती है वो एएम के फॉर्म में आती है, यानी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और ये हो गया फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। मैंने आपको ये तरीका भी बताया था कि कैसे याद करना है कि जो ऑडियो है वो एफएम के रूप में आती है और वीडियो होती है वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के रूप में आती है। तो जब भी आप रेडियो सुनते होंगे, रेडियो में अक्सर अब क्या सुनते हैं? एफएम ही सुनते हैं, एएम तो जल्दी सुनते नहीं है। पहले ज़माने में सुना करते थे जब समाचार वगैरह आता था, अब तो एफएम पे भी समाचार आता है और कमेंट्री वगैरह तो अब लोग सुनते ही नहीं है। तो एफएम पे आप देखेंगे कि क्लियर वॉइस आती है, लेकिन जो आपके एएम वाला फ्रिक्वेंसी है उसका जो नॉइजनेस लेवल है वो काफ़ी होता है। यानी कि एफएम पे जब भी आप गाना सुनते हैं या कोई भी चीज़ सुनते हैं तो एकदम से क्लियर आवाज़ आती है। तो आवाज़ के संदर्भ में एफएम इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि एफएम हम सुनते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एफएम सुनते हैं, एफएम पे गाना सुनते हैं, तो सिर्फ ऑडियो सुनते हैं तो ऑडियो के लिए एफएम याद करेंगे और वीडियो के लिए एएम याद करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको याद हो गई होगी। अगला क्वेश्चन है, बैट्स कैन फ्लाई ड्यूरिंग डार्क नाइट्स एंड ऑल्सो प्रे, दिस इज बिकॉज। कह रहा है चमगादड़ रात के अंधेरे के दौरान उड़ान भर सकते हैं और शिकार भी कर सकते हैं, ऐसा किसके कारण हो सकता है, ऐसा कैसे वो कर सकता है? देखिए, इसके पीछे का फिजिक्स है कि बैट एक अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करता है। जो सपोज मान लिया ये बैट है, सपोज ये बैट है, ठीक है, ये बैट है, यहाँ से यहाँ पे इसका शिकार है, तो ये यहाँ पे अल्ट्रासोनिक वेव है वो प्रोड्यूस करके यहाँ भेजेगा और फिर यहाँ से ये इसके पास आएगा रिफ्लेक्ट होके, तो इसको पता चल जाएगा कि कितना दूरी पे इसका शिकार है। क्या ये शिकार इधर मूव कर रही है, क्या ये शिकार इसका इधर मूव कर रही है या आगे मूव कर रही है, ये सभी इसको पता चल जाता है इसी वेव के थ्रू। ठीक है, तो ये किसकी वजह से पकड़ लेता है वेव, ये किसकी वजह से अपने शिकार को पकड़ लेता है? दे प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक वेव एंड गाइडेड बाय देम, यानी कि उसी के थ्रू वो गाइड किया जाता है। अल्ट्रा वेव है, जो अल्ट्रासोनिक वेव है उसके थ्रू ये अपने आप को गाइड करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ द फ्लाइट ऑफ सुपरसोनिक जेट। सुपरसोनिक जेट, ऊपर आसमान में जो सुपरसोनिक जेट चलता है तो उससे क्या होता है? तो इसमें देखिए चार ऑप्शन दिए हुए हैं, एयर पोल्यूशन होता है, आई डिजीज होती है, डिप्लेशन इन ओजोन लेयर होता है, नन ऑफ डिज। तो देखिए, वायु प्रदूषण तो होता है थोड़ा बहुत, लेकिन अगर ये ऑप्शन दिया है डिप्लेशन इन ओजोन लेयर तो ये ज़्यादातर कारगर होगा ऑप्शन। वायु प्रदूषण आप मान सकते होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, NO2, इसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड छूटते हैं, सुपरसोनिक जेट होते हैं वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड छोड़ते हैं जो कि आप कह सकते हैं थोड़ा एक प्रदूषक भी है, लेकिन ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है वो ओजोन लेयर से, ओजोन लेयर में O3 होता है, इससे रिएक्ट करके इसका जो O3 है उसको तोड़ देते हैं। ठीक है,
तो तोड़ देते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि ओजोन परत में कमी आ जाएगी। जब O3 का जो लेयर है वही टूट रहा है, NO2 छोड़ा जो जेट है वो NO2 छोड़ा, वो O3 के साथ रिएक्ट कर गया, O3 के साथ रिएक्ट करके उसका जो O3 है उसको तोड़ के O2 बना दिया या नवजात ऑक्सीजन बना दिया। तो इस तरह से ओजोन लेयर को डिप्लीकेट करता है ये, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डिप्लेशन इन ओजोन लेयर, ओजोन परत में कमी, जो आपका जेट होता है उसके कारण ओजोन परत में डिप्लेशन होता है। कैसे होता है, इसके पीछे का केमिस्ट्री क्या है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्गेस्ट वेव लेंथ। इन ऑप्शन में आपको ये पता करना है कि सबसे ज़्यादा लंबा तरंग दैर्ध्य वाला कौन सा इसमें वेव है। तो मैंने आपको, आप सर्च करेंगे ट्रिक टू रिमेंबर वेव लेंथ बाई स्टडी विथ इंजीनियर मनीष, अगर ये चीज़ें लिख के सर्च करेंगे तो आपको वेवलेंथ याद करने का एक ट्रिक आपको मैंने उसमें बताया है। यहाँ भी आपको ट्रिक याद करवा देते हैं। देखिए, मैंने बताया था कि गया गया एक्सरे कराने, वहाँ पे यूवी मिला और आई को माइक्रो रेडियो दिया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 वेव हो गया, ठीक है। अब देखिए, एक बंदा कह रहा है, पुराने ज़माने में हम लोग क्या करते थे, कमेंट्री के लिए रेडियो सुनते थे, छोटा रेडियो आता था, स्कूल वगैरह में भी लेके चले जाते थे और बैग के अंदर रख के एकदम से हल्का सा आवाज़ करके बैग पे अपना कान रख दिए और कह दिए सर को कि सर थोड़ा तबीयत ख़राब है, इस तरह से कमेंट्री वगैरह सुनते रहते थे। क्योंकि उस समय उतना तो टेलीविज़न थे भी नहीं और स्कूल में कहाँ से स्कूल जाना जाए, तो इस वजह से, और मोबाइल भी नहीं था कि मोबाइल ले जाके आप स्कूल देख सकते थे, ठीक है। तो उस समय हम लोग क्या करते थे कि छोटा रेडियो से कमेंट्री सुनते थे। तो एक बंदा है, वो कमेंट्री सुन रहा है, छत पर से कमेंट्री सुनते सुनते इतना एक्साइटेड हो गया, चौका छक्का लग रहा था, वो गिर गया। तो वो क्या किया, गिर गया तो उसका कुछ टूट गया होगा, हाथ पैर टूट गया, तो वो गया कहाँ गया, एक्सरे कराने गया, ठीक है, G4 गामा एक्सरे कराने गया, यानी कि एक्सरे। वहाँ उसको यूवी मिला, यूवी यानी कि उदासी मिला, ठीक है। तो वो बोला, बंदा बोला कि भाई मेरा तो रेडियो टूट गया, तो आई को यानी कि उस बंदे को, यानी कि आई मतलब मेरे को, एक माइक्रो, माइक्रो मतलब छोटा छोटा रेडियो दिया, ठीक है। इस तरह से आपको ये ट्रिक याद हो जाएगी। अब देखिए कि इसमें किसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, इधर से इधर जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे तो वेवलेंथ ज़्यादा हो जाएगा। ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होते हैं वो भी मैंने उस ट्रिक में समझाया है। तो गया गया से गामा रे, एक्स से एक्स रे, यू से अल्ट्रा वायलेट रे, वी से विजिएबल रे, जो आप देखते वगैरह हैं वही रे की बात कर रहा है कि विजिएबल रे, आई से इंफ्रा रेड, एम से माइक्रो रे माइक्रोवेव, और आर से रेडियो वेव, ठीक है। तो ये सभी का ट्रिक हो गया याद करने का, इधर से इधर जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगा। तो यानी कि सबसे कम किसका हो गया, गामा का हो गया, उसके बाद क्या हो गया, एक्सरे का हो गया, उसके बाद अल्ट्रा वायलेट, उसके बाद विजिएबल, उसके बाद इंफ्रारेड, उसके बाद माइक्रोवेव, उसके बाद रेडियो वेव। तो ये तरीका है याद करने का वेवलेंथ का। अब देखिए, ये जो फर्स्ट का 2 वेव है उसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, एक्सरे कराने गया या गया एक्सरे कराने, इस तरह से कंफ्यूज होते हैं कि एक्सरे पहले है या गामा पहले है। तो देखिए, गया पहले जाएगा तभी तो एक्सरे होगा, पहले एक्सरे थोड़े ना हो जाएगा, पहले जाएगा यानी कि गया पहले, उसके बाद एक्सरे होगा। तो मुझे लग रहा है कि इससे रिलेटेड अब जब भी आपको प्रश्न दिखेंगे वेवलेंथ से रिलेटेड, जो कि काफ़ी कन्फ्यूजिंग होती है, अब आप आसानी से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट एट 30 मीटर बैंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव ट्रांसमिटेड बाई दिस स्टेशन इज, कह रहा है एक रेडियो स्टेशन 30 मीटर बैंड का प्रसारण करता है, इस स्टेशन द्वारा प्रेषित वाहक तरंग की आवृत्ति क्या होगी। तो देखिए, हमें कुछ नहीं आता है तो हम कैसे इसको निकालेंगे, ये चीज़ें तो न्यूमेरिकल है तो इसको आप याद भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ 30 की जगह 32 कर देगा तो फिर ऑप्शन चेंज हो जाएगा। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, सिंपल आपको क्या पता होगा, वी इक्वल टू क्या होता है, लेंथ अपॉन टाइम होता है, ठीक है, वी इक्वल टू लेंथ अपॉन टाइम, ये तो बेसिक चीज़ें हैं आपको पता होगा। अब देखिए, ये जो ब्रॉडकास्ट होता है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से चलता है, ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए, यानी कि आपका जो प्रकाश का वेलोसिटी है उसके स्पीड से चलेगी। तो 3 × 10⁵ कर देंगे, ये हो गया 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ये तो किलोमीटर है, किलोमीटर तो SI यूनिट है नहीं, मीटर है। तो यानी कि अब इसको भी 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो वी हो गया।
हमसे क्या पूछ रहा है, आवृत्ति। आवृत्ति बराबर यानी कि फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, वन अपॉन टी, यानी कि वन अपॉन टी को यहाँ पे हम इसको हटा के एफ लिख सकते हैं, ठीक है। एल इंटू एफ, वेलोसिटी क्या हो गया, एल इंटू एफ। एल क्या दे रखा है, 30 दे रखा है, तो हम 30 से डिवाइड कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। जब 30 से डिवाइड करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, एक टाइम हो जाएगा, और ऊपर 5 3 8 0 है, तो 1 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर कितने 0 हो गए, 7 0, 10^7 हर्ट्ज हो गया, ठीक है। लेकिन ऑप्शन यहाँ पे किलो हर्ट्ज और मेगा हर्ट्ज में दिया हुआ है। किलो है तो उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 10^3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 10^4, जो कि कहीं पर भी 10^4 किलो हर्ट्ज नहीं है। तो अब मेगा के लिए बात करते हैं, तो मेगा में हम किससे डिवाइड करते हैं, 10^6 से, तो 10^6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 हर्ट्ज आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10 मेगा हर्ट्ज, ठीक है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हम चीज़ें रटना नहीं चाहते हैं। अब देखिए इस न्यूमेरिकल में आप रटेंगे तो कन्फ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि इस तरह के न्यूमेरिकल आपको सोल्व करनी है वहाँ पे। तो आशा करते हैं ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तराशा गया हीरे किसके कारण अत्यधिक चमकता है। तो ये क्वेश्चन कई बार आया है, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण चमकता है। द क्लाउड्स फ्लोट इन द एटमोसफेयर बिकॉज ऑफ देयर लो, इसमें ऑप्शन क्या होगा, बिकॉज ऑफ देयर लो डेंसिटी। देखिए प्रेशर और डेंसिटी में लोग कंफ्यूज हैं कि इसमें प्रेशर होगा लो प्रेशर के कारण तैरता है या लो डेंसिटी के। तो देखिए आप ये समझिए, तैरता है या उड़ता है, इसका मतलब एक ही हुआ इस प्रश्न में। तैरता मतलब क्या, ऊपर उसके है, या उड़ता मतलब क्या, जब भी अगर सपोज हम उड़ रहे हैं तो हम कब उड़ेंगे, जब हमारा घनत्व कम हो जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पे कोई वाटर है, आपको इस तरह से समझाते हैं, इसमें ऑयल डाला गया, तो ऑयल डाला गया तो यहाँ पे तैरता रहता है ऑयल, तो ऑयल किसकी वजह से तैरता है, ऑयल डेंसिटी इसमें कम है इसकी वजह से तैरता है। तो यहाँ पे तो प्रेशर का कोई चांस ही नहीं है, प्रेशर का कोई यहाँ पे यूज ही नहीं है, तो प्रेशर का नहीं यूज है, यानी कि तैर रहा है ऑयल ऊपर, तो किसकी वजह से, अपने लो डेंसिटी की वजह से। तो उसी तरीके से बादल जब ऊपर तैर रहा है तो किस वजह से, लो डेंसिटी की वजह से, जो एयर है वो उससे ज़्यादा भारी है तो वो नीचे है, और जो क्लाउड है वो कम डेंसिटी वाला है तो ऊपर है, तो इसी वजह से वो तैर रहा है या उड़ रहा है, तो इसका आंसर होगा लो डेंसिटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु डिस्कवर टेलीविजन। तो इसका आंसर सिंपल है, जे एल बेयर्ड, हालांकि इसमें ऑप्शन सिर्फ बेयर्ड दिया है, लेकिन फिर भी आपको याद होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन कोल्ड कंट्रीज अल्कोहल इज प्रिफर्ड टू मरकरी एज ए थर्मोमेट्रिक लिक्विड बिकॉज, कह रहा है ठंडे देशों में थर्मोमेट्रिक तरल के रूप में अल्कोहल पारा से अधिक वरीयता दी जाती है। जैसे कि आप लोग को अगर बुखार लगती है तो आप किसका उपयोग करते हैं, थर्मामीटर का उपयोग करते हैं, लेकिन अगर ठंडे प्रदेश में थर्मामीटर का उपयोग करेगा तो थर्मामीटर ही जम जाएगा, तो वहाँ पे किसका उपयोग करेगा, वहाँ पे अल्कोहल वाला जो थर्मामीटर है उसका उपयोग करेगा। तो ऐसा क्यों वहाँ पे किया जा रहा है, क्योंकि जो अल्कोहल है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो बहुत कम है, यानी कि अगर उस प्रदेश में -40 डिग्री भी सेंटीग्रेड वहाँ पे चला गया तापमान, फिर भी वो नहीं जमेगा, लेकिन पारा क्या है कि वो जम जाएगा। तो इसलिए हम ठंडे प्रदेशों में थर्मामेट्रिक लिक्विड के रूप में अल्कोहल का यूज करते हैं। तो आशा करते हैं ये जो 10 क्वेश्चन आज आपको फिजिक्स का मैंने कराया वो समझ में आया होगा, उसके पीछे का फिजिक्स क्या है वो आपको समझ में आया होगा। तो अगले सेशन में इसी तरह के और भी क्वेश्चन के साथ मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।